नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एवरग्रीन चैनल पर। हमारे पेट्रोल पंप डीलर चैन की अगली कड़ी में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स या बिडिंग में सिलेक्शन होने या ना होने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि जिस कार्य का या जो सपना आप लोग कुछ समय से देख रहे थे उसे साकार करने का। वीडियो पूरा देखने से ये फायदा होगा कि आप आगे आने वाले सभी पहलुओं से परिचित हो सकें। तो बात करेंगे दोस्तों हम लोग ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बिडिंग प्रोसेस की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बिडिंग लगभग हर जगह शुरू हो गया है। जिन दोस्तों का सिलेक्शन हो गया है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वे निराश ना हों, उनके लिए मौका कभी भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि हाउ टू मैनेज फंड्स बिफोर सेटिंग अप पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप शुरू करने से पहले फंड्स को कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि बिना फाइनेंस के और बिना मैन पावर के हम इस काम को अंजाम दें। तो पहला आता है इसमें कि हम इसके लिए बैंक से लोन लें, या फिर किसी पार्टनर को हम पेट्रोल पंप में उसको ऐड करें, या फिर दोनों ही हम कर सकते हैं काम। तो बिना फाइनेंस के, बिना मैन पावर के तो इस कार्य को कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो हो सकता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। इसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे कि दो तरह के पेट्रोल पंप होंगे। पहला ये कि जो पेट्रोल पंप शहर के अंदर या गांव या कस्बे के अंदर है, म्यूनसिपल लिमिट्स जो है उसके अंदर में, तो ऐसे पेट्रोल पंप में मैक्सिमम सेल जो होती है वो रिटेल सेल होती है, जिसमें कि मैक्सिमम पेमेंट जो होता है कस्टमर का वो हाथों हाथ हो जाता है, इंस्टेंटली होता है। दूसरे तरह के पेट्रोल पंप जो हाईवे, नेशनल स्टेट या गांवों और कस्बों को जोड़ने वाले हाईवे हैं, उन हाईवे की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर सेल होलसेल होती है, जिसमें कि हमें इंस्टेंटली पेमेंट सब में नहीं मिलता है, कुछ हमें क्रेडिट पे भी देना पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि हमें अगर बड़ा पेट्रोल पंप सेटअप करना है इन टर्म्स ऑफ सेल, तो हमें पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो किस तरह के पार्टनर होंगे, या तो कैपिटल पार्टनर हो या कोई वर्किंग पार्टनर हो। तो दो तरह के पार्टनर हम लोग यहाँ पे हमारे पेट्रोल पंप सेटअप में उनको जोड़ सकते हैं। इन केस अगर आपके पास सफिशेंट अमाउंट है पैसे को लेकर के, कि आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी है, तो आपको कैपिटल पार्टनर की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या पार्टनर की यहाँ पे ज़रूरत है, इस बिज़नेस में पार्टनर की रिक्वायरमेंट है या नहीं। सपोज़ अगर आप अपने पेट्रोल पंप को एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको पेट्रोल डीजल क्रेडिट पे भी देना पड़े लोगों को। और अभी इन दिनों में क्या हो रहा है कि बहुत से जो बड़े पेट्रोल पंप है वो टाई अप करके रखते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी से, और मोर ओवर वो उन ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को कंसेशन या डिस्काउंट भी देते हैं। तो पार्टनर्स की ज़रूरत तो रहती है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो बैंक है वो आपकी सारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा ना कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैपिटल पार्टनर की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त हो सकता है कहीं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, अपना कोई ऑफिस या अपनी कोई दुकान चलाते हों, या मे बी जॉब करते हों और किसी घर में किसी और के नाम से उन्होंने अप्लाई किया हो, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हों। तो ऐसी सिचुएशन में उनको वर्किंग पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो वर्किंग पार्टनर आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ताकि वो आपके पेट्रोल पंप को मैनेज कर सके, और रिकवरी वाला जो यहाँ प्रोसेस है लोगों से पैसा लेने का, उसको भी वो अच्छे तरीके से निभा सके। आगे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अलॉटमेंट के बाद प्रोपराइटर या पार्टनरशिप फर्म कैसे बनाएं। तो दोस्तों, एलओआई इशू होने के बाद और पेट्रोल पंप कमीशनिंग मतलब पेट्रोल पंप की स्थापना से पहले
हम हमारे इंडिविजुअल अलॉटमेंट को प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस पार्टनरशिप फर्म के लिए कंडीशन है कि जो आवेदक है, जो एप्लीकेंट है, उसका तो पार्टनर होना कंपलसरी है, लेकिन कम से कम उसके पास पार्टनरशिप 51% पार्टनरशिप उसके नाम होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे, अगर आप लोग ड्रॉ ऑफ लॉट्स या बिडिंग का जो पहला राउंड है उसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो क्या करें? तो दोस्तों ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। किसी भी स्टेज में सिलेक्टेड कैंडिडेट किसी भी कारणवश रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आपको चांस मिल सकता है। इवन ड्रॉ ऑफ लॉट्स या बिडिंग का जो पहला राउंड है उसके बाद भी 1 साल तक भी आपका नंबर आ सकता है। और अगर किसी कारणवश आपका नंबर नहीं आया तो क्या करें? तो जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो पार्टनर बन सकते हैं जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनके साथ। तो उसके लिए क्या है कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी सेलेक्टेड लोगों की, और उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए ताकि वो पेट्रोल पंप के बिजनेस में आ सके। एक और यह महत्वपूर्ण विषय है कि कुछ लोग, कुछ दोस्त मेरे हमारे बता रहे हैं कि SMS या ईमेल भी नहीं आ रहे उनके पास। तो कुछ टेक्निकल इश्यू कारण हो सकता है कि SMS या ईमेल उनके पास ना आ रहे हों। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप पेट्रोल पंप डीलर चैन की साइट को फ्रिक्वेंटली विजिट कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसमें आप उसको देख सकें। आगे बात करेंगे कि जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बिडिंग प्रोसेस होने वाला है उसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको इनवाइट कर रही है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बिडिंग जो है वो बेसिकली पब्लिक हॉल, होटल या ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस में होती है प्रॉपर वीडियोग्राफी के साथ, ताकि 100% ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी बेसिकली इनविटेशन कम रिक्वेस्ट ईमेल या SMS कैंडिडेट्स को दे रही है ताकि वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बिडिंग प्रोसेस में शामिल हो जाए, जिसके लिए उन्हें एक अपनी एक गवर्नमेंट ID प्रूफ लेके वहाँ जानी पड़ेगी। तो ये सब करने का पर्पस यही है ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, ताकि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए। और दोस्तों ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो आप अटेंड करने जाएंगे उसके लिए कंपनी कोई भी आपको रिइम्बर्स नहीं करेगी, ऐसा कंपनी ने अपने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी कहा है। ऐसा नहीं कि आपको ड्रॉ ऑफ लॉट्स अटेंड करना ही है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू अटेंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बिडिंग प्रोसेस। दोस्तों यदि आप जाने में समर्थ हो या आपके लिए कन्वीनियंट हो तो ही आप जाएँ, आप नहीं जाएंगे तो भी आप ड्रॉ ऑफ लॉट्स में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं कि आपको वो अटेंड करना ही है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो काफ़ी दोस्तों को कंफ्यूज करता है कि हम जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराएंगे वो किस कंडीशन पे रिफ़ंड होगी भी या नहीं होगी। तो हल्का सा इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफ़ंड नहीं होगी किस केस में? यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स कुछ समय के अंतराल तक सबमिट नहीं कर पाते हैं तो ISD आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। और सिलेक्टेड कैंडिडेट किसी भी स्टेज में प्रोसेस के किसी भी स्टेज में कैंडिडेट अगर इनएलिजिबल हो जाता है किसी भी कारणवश तो भी आपकी ISD रिफ़ंड नहीं होगी। अगला केस है अगर जिस कैंडिडेट को लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है, LOI होल्डर जो है वो बिडिंग अमाउंट या फिक्स्ड फी का अमाउंट एक स्टिपुलेटेड टाइम में जो भी कंपनी ने बताया उसमें सबमिट नहीं कर पाता है तो भी आपकी ISD रिफ़ंड नहीं होगी। अगली कंडीशन है अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट या LOI होल्डर किसी भी कारणवश अपनी अपनी पात्रता को विड्रॉ कर लेता है या हट जाता है किसी भी कारणवश तो भी ISD आपके रिफ़ंड नहीं होगी। आखिरी कंडीशन जो है LOI कैंसिल हो जाता है किसी भी टर्म्स कंडीशन को वॉयलेट करने के चक्कर में तो भी आपकी ISD रिफ़ंड नहीं होगी। तो यहाँ पे ISD रिफ़ंड केवल एक ही केस में होगी अगर आपकी लैंड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लैंड रिजेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? अगर आपकी लैंड एडवर्टाइज्ड एरिया में नहीं है
तो रिजेक्ट हो सकती है। अगर आपके लैंड के ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर जा रहा है तो भी रिजेक्ट हो सकती है। अगर लैंड का डायमेंशन आपका जो नोटिफिकेशन में जो क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं कर रहा है तो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। या कोई नेशनल हाईवे का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है उस केस में भी आपके लैंड को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो लैंड रिजेक्शन केस में आपकी ISD रिफंड हो जाएगी, बाकी किसी भी कंडीशन में आपकी इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो और बाकी प्रोसेस भी बिना किसी रुकावट के कंप्लीट हो, इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहिए एवरग्रीन चैनल से। सब्सक्राइब एवरग्रीन और रहिए एवरग्रीन। धन्यवाद।